मैन पावर एक्चुअली एक रिसोर्स है। जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि इंडिया की बात जब हम कर रहे थे, आज इंडिया और चाइना क्यों इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया और चाइना के पास मैन पावर है। और दूसरे कंट्रीज के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट है ये, वो उनकी तरफ एक मार्केट है। सारी कंट्रीज को मैन पावर इंडिया से मिलता है। चाइना एक बहुत बड़ा जायंट क्यों बना हुआ है, क्योंकि उसके पास मैन पावर है। और ये मैन पावर जो एक रिसोर्स है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी के पास बाप दादा की प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, बहुत सारा जमीन पड़ी हुई है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो क्या करे वो, क्या वो दे दे, बोले नहीं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं तो दे दे, नहीं, उसे पता है ये एक रिसोर्स है। ये मैन पावर जिसे हमने बहुत ज्यादा नहीं यूज कर पाए हैं, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे इसे यूज करें। ये रिसोर्स है, ऊपर वाले की दी हुई एक नेमत है, ये नेमत को हम यूज कैसे करें, उसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कैसे करें, ये सोचना चाहिए।